क्वेश्चन ही देख के लग रहा है ये सिंपल माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है। अब कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है हमारे पास, मतलब एफ आपको दिया हुआ है, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये 5 सेंटीमीटर का है। इज यूज एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, वट इज द मैग्नीफाइंग पावर, आपसे मैग्नीफाइंग पावर हम मांगा जा रहा है। इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन, ये कंडीशन है। वट विल बी इट्स वैल्यू इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दूं कि जो दो कंडीशंस होती हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की, पहला होता है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, कंडीशन वही है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। नियर पॉइंट पे इमेज अगर आपकी बननी है तो आप सबसे पहले यहाँ पे जैसे कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हो, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ कर लो, इस तरह से मान लो हमने प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब मैं ये दिखा रहा हूँ कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट मान लो इस पोजीशन पे है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ऑब्जेक्ट आप कहाँ ले रहे हो। तो मान लिया कि आपके सामने ही यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट दिखाया, ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा हो कि फोकस के अंदर ले रहे हो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे लेना है, तो फोकस के अंदर, ये इस जगह पे आपका यहाँ पे ये फोकस है, तो यहाँ पे इसको मैं कैपिटल एफ से दिखा देता हूँ, ये फोकस है, और जो रे इसमें इंसिडेंट होगी उसकी कंडीशन किस तरह की होगी, तो सेम, तो इसमें इमेज सेम साइड पे फॉर्म हो जाता है जब फोकस के अंदर पे लेते हैं कॉन्वेक्स में, बिल्कुल सेम साइड में, तो इसमें दो एंगल भी बनेंगे, तो एक तो जो रे आएगी जो पैरेलल आती है, ठीक है, पैरेलल रे जो आएगी वो दूसरी तरफ फोकस से होके जाएगी, दूसरी तरफ फोकस से होके ऐसे जाएगी, और दूसरा रे जो आता है ये ऑप्टिकल सेंटर से होके जाता है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह से होता हुआ जाएगा दूसरा रे ऐसा। इसी दोनों को रे को पीछे की तरफ अगर आप प्रोड्यूस करोगे, मतलब जो प्रोड्यूस किया जाएगा वो वर्चुअल होगा, रियल तो होगा नहीं, तो जो पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया जाएगा इस तरह से, जैसे ये पॉइंट है इसको आप लेके आगे पीछे की तरफ इस तरह से मूव कर रहे हो, और उसी तरह से ये वाले पॉइंट को भी लेके आप पीछे की तरफ ज्वाइन करोगे, तो एक पॉइंट पे ये ज्वाइन हो रहा है, जिस पॉइंट पे ये ज्वाइन हो रहा है वहाँ पे इसकी इमेज बनती है, ये इसकी वर्चुअल इमेज इस जगह पर बनती हुई आपको दिखेगी। अभी स्टार्टिंग में क्या था वो भी समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि स्टार्टिंग के कंडीशन में कुछ ऐसा था कि आपकी जो मान लो कि ऑब्जेक्ट जो रही होगी वो कहाँ पे रही होगी, तो मैंने माना कि अभी ऑब्जेक्ट आपकी इस जगह पे रही होगी, ये मान लो ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये रही होगी, तो जिस समय लेंस मतलब आपने लेंस नहीं लिया था, तो लेंस बिना लेंस के ये आपकी आंखों पे कितने का एंगल बना रहा था, तो यहाँ पे आपका आईज पोजीशन होना चाहिए, ये आईज पोजीशन इस जगह पे है, और इस आईज पोजीशन को देखते हुए यहाँ पे एंगल कितनी बननी चाहिए वो देखने वाली बात होगी, तो उस समय ये जो एंगल बना रहा था तो इसके एंगल को देखा जाता है इसके साथ ऑप्टिकल सेंटर के साथ, ये वाला तो ऑप्टिकल सेंटर के साथ ये एंगल बना रहा था उस समय में अल्फा, लेकिन लेंस जब आपने ले लिया तो लेंस लेने के बाद ये जो एंगल बना रहा है वो एक थोड़ा बड़ा एंगल है, वो एंगल है आपका बीटा एंगल, तो उसको भी देख लो, वो एंगल यहाँ पे आपने बना दिया बड़ा सा एंगल एक, ये वाला एंगल, ये एंगल जो है ये बीटा एंगल है, तो अल्फा एंगल भी बन गया और बीटा एंगल, ये ऑब्जेक्ट आपकी ये है ए बी, और इसी ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल पोजीशन शुरू में बिना लेंस के रही होगी वो यहाँ पे थी, तो इसको मैं ए डैस और बी डैस ले लेता हूँ, लेकिन मैग्नीफिकेशन के बाद जो मैग्नीफिकेशन चूंकि इतनी हाइट तक इसकी इमेज जो है यहाँ पे बन रही है, तो ये आपका इसको आप मैं मान लेता हूँ कि दिस इज ए डैस, इसको मैं ए डबल डैस कर देता हूँ, इस तरह से ये बन रहा है। तो देखो आप ऐसे केस में यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि बीटा जो एंगल बन रही है इसके लिए बोलोगे एंगल सबस्टेंड एट द आई बाय द इमेज एट नियर पॉइंट, ठीक है, और दूसरा जो है अल्फा दैट मीन्स एंगल सबस्टेंडेड एट द अनएडेड आई बाय द ऑब्जेक्ट एट द नियर पॉइंट, अल्फा और बीटा का कॉन्सेप्ट,
तो अगर यहाँ पे आप देखोगे कि मैं निकालना चाहता हूँ टेन बीटा क्या होगा, तो टेन बीटा इक्वल टू अगर देखा जाए तो ये बीटा है टेन बीटा, तो इसमें देख रहे हो यहाँ पे बड़े वाले में, बड़ा वाला ट्राइंगल, जैसे कौन सा ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ ये भी बता देता हूँ। ये मान लो कि ये सी है, सेंटर है सी ए डैश बी डैश में, तो सी ए डैश बी डैश में ये वाला बीटा बन रहा है, तो टेन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब ए डैश बी डैश, तो इस जगह पे आप ए डैश बी डैश अपॉन में क्या ले लोगे, ये देखो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, मतलब इस डिस्टेंस को हम लोग, मैं अभी मेंशन कर देता हूँ नहीं तो बार बार मुझे उसको लिखना पड़ेगा, टर्म्स लिखने पड़ेंगे। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का कंडीशन है, जिसको आप कैपिटल डी से लिखते हो, कैपिटल डी जो 25 सेंटीमीटर का होता है, तो ए डैश बी डैश अपॉन डी, ये थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा हमारे लिए। उसी तरह से टेन अल्फा अगर आप देखोगे तो टेन अल्फा इक्वल टू आपके पास होगा, ये देखो टेन अल्फा ये बना रहा है, तो ए डबल डैश बी डैश, तो ए डबल डैश बी डैश, जबकि जो डिस्टेंस है वो अभी भी ये है बी डैश सी की ही डिस्टेंस, मतलब कैपिटल डी ही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और ए डबल डैश बी डैश जो है वो सेम हाइट का है, जितने हाइट का आपका ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे लिया हुआ है उसी हाइट का है, तो इसलिए यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि इसको आप टेन अल्फा के केस में आप यहाँ पे सेम चीज उसी चीज को लिख सकते हो, तो टेन अल्फा इक्वल टू ए बी अपॉन डी ऐसा लिख सकते हो। बीटा हो गया, अल्फा हो गया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, एम इक्वल टू होता है बीटा बाय अल्फा, इनफैक्ट टेन बीटा बाय टेन अल्फा लेते हैं लेकिन एंगल काफी छोटा होता है इसलिए बीटा बाय अल्फा लिखते हो। बीटा बाय अल्फा लोगे तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसमें दोनों में ये मैं लिख भी दू, तो ए डैश बी डैश अपॉन में डी इन टू डी बाय ए बी, तो यहाँ पे ए डी और डी कैंसिल हो रहा है आपका, ठीक है, डी और डी कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास बच रहा है सिर्फ ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, ये चीज आपके पास रह रही है। तो ये ए डैश बी डैश और ए बी, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की बात, मतलब ये वी है, एक वी है और एक यू है, तो इसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यहीं पे दिखाता हूँ, तो दिस वन इज एम इक्वल टू ए डैश बी डैश, जो ए डैश बी डैश है ये वाला ए डैश बी डैश, ये वी को बता रहा है, इमेज डिस्टेंस को बताएगा वी अपॉन ए बी, मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बता रहा है वी अपॉन यू, और यूजिंग लेंस फॉर्मूला तो 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ होता ही है, अच्छे से पता है, और ऐसे केस में दोनों ही तरफ चूंकि मुझे वी बाय यू चाहिए, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे वी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो सकता है, तो एक काम कर लेते हैं, ध्यान रखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय वी, अगर वी से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिखोगे वी बाय वी माइनस वी बाय यू, दिस वन इज इक्वल टू वी बाय एफ, इसमें v और v कैंसिल हो जाना है, दैट मीन्स ये आपके पास आएगा 1 माइनस v बाय यू को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे m, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है, तो दिस वन v बाय यू इक्वल टू मैं लिखने जा रहा हूँ m, तो 1 माइनस m इक्वल टू v बाय f, ठीक है। और अब यहाँ से मैग्निफिकेशन अगर आप निकालते हो तो मैग्निफिकेशन के लिए आपके पास जो फॉर्मूला आएगा m इक्वल टू दिस m इक्वल टू 1 प्लस v बाय f, और जो V है आपके लिए, इनफैक्ट इसको बॉक्स में मैं डाल देता हूँ, जो V है आपके लिए वो क्या है, वो ये है, क्योंकि इमेज यहाँ पे बन रही है तो V ऑलमोस्ट D के इक्वल है, तो आप यहाँ पे कंडीशन लिखोगे V इक्वल टू माइनस D, क्योंकि ये जिधर ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बन रहा है, तो इसलिए माइनस D में आएगा, तो मैग्निफिकेशन M इक्वल टू दिस वन, अभी यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आया है इसके बारे में भी बता दूँ, M इक्वल टू जो आएगा आपके पास अभी जैसे 1 माइनस एम इक्वल टू बी बाई एफ आया है, तो 1 माइनस एम इक्वल टू माइनस माइनस में आएगा माइनस बी बाई एफ, और एक स्टेप्स और मैं दिखा देता हूँ अभी, तो ये माइनस में आएगा, तो 1 माइनस एम इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस डी बाई एफ, क्योंकि इस वी की जगह पे आपने क्या यूज किया है माइनस डी का, तो माइनस डी बाय एफ आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो जब माइनस डी बाय एफ लिखा और यहाँ पे आपको एम चाहिए, तो एम इक्वल टू यहीं से आपके पास मिल जाएगा 1 प्लस
डी बाय एफ। तो अभी यहाँ पे मैंने अगर मान लो यूज किया था तो माइनस तो ठीक है तो ये आ जाएगा, और अगर माइनस बाद में आप यूज करोगे तो भी आपके पास रिजल्ट यही आएगा। तो वन प्लस डी बाय एफ ये इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला उस केस के लिए है जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को बताता है। लेकिन एक और केस होता है जो इन्फिनिटी का होता है, तो इन्फिनिटी में आपके पास मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है वो सिंपल सा फार्मूला होता है एम इक्वल टू डी बाय एफ का, ठीक है। तो उसको डिराइव करने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ एम इक्वल टू डी बाय एफ, ये हो गया। तो ये एट इन्फिनिटी इमेज फॉर्मेशन जो है वो इन्फिनिटी पे होगी तब के लिए। तो अब मैं क्वेश्चन पे आया हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करना है हमें। तो आपके पास सर इसमें एक चीज पूछना है सर। हाँ जी सर, इसमें जो m इक्वल्स टू v बाय u करा आपने, तो सर v पे a डैश b डैश है और नीचे a भी है सर, तो ये v बाय u हाइट के लिए लिखा गया है या फिर जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है उसके लिए लिखा गया है? है तो हाइट के लिए, और जैसा आपने बताया कि h2 by h1 equal to v by u होता है, yes, हाँ सर वही तो हाइट के लिए बस लिख दिया है ना। हाँ, है तो हाइट के लिए ही, लेकिन उसको रिलेट करके डायरेक्ट वी बाय यू कर दिया। और भी सर जो ये अल्फा और बीटा ये कैसा एंगल है सर जो इसमें फॉर्म हो रहा है? अल्फा एंगल वो एंगल है जो इसमें लेंस नहीं था, ऑब्जेक्ट इसी पोजीशन पे थी, मतलब इस तरह से था। अगर देखा जाए तो ये मान लो बहुत बड़ा माइंड फ्रेम करके बनाया जाता है, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है। मान लो कि ये हमारे पास ये लेंस है और इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये अभी प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ करना है, लेकिन अभी हटा देता हूँ लेंस, नहीं रख रहा, चलो जरूरत नहीं है, लेंस नहीं ले रहा, सीधा मैं प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया और इस जगह पे मैं ले रहा हूँ ऑब्जेक्ट, यस सर, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। तो ऑब्जेक्ट जो आंखों पे एंगल बना रहा है आंख के साथ बिना लेंस के, यहाँ पे हमने लेंस का इस्तेमाल नहीं करना है, ध्यान रखना है, बिना लेंस के ये जो आंख पे आंख के ये जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है उसके साथ जो एंगल बना रहा है ये है इस तरह से, ठीक है। तो इसको देख के आपको बताना होगा कि जी हाँ ये वाली जो एंगल है ये अल्फा है। लेकिन सेकेंड वाला जो केस है, सेकेंड वाले केस में जब आपने लेंस ले लिया, सेकेंड वाले केस में मैंने बताया कि मुझे क्या लेना पड़ेगा, लेंस लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले से ही तैयार कर लिया, यहाँ पे एक लेंस लगा दिया इस जगह पे, ठीक है, इस तरह से लेंस लगा दिया और ड्रॉ कर देता हूँ मैं प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे इसकी। तो चलिए प्रिंसिपल एक्सिस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देख लो यही प्रिंसिपल एक्सिस, सेम प्रिंसिपल एक्सिस मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो मैं कर देता हूँ ये प्रिंसिपल एक्सिस, मानो मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ऑब्जेक्ट तो अभी भी इसी पोजीशन पे है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो मैंने चेंज की नहीं है, थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ तक जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी है हमने वहीं से देखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारे इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे ये ऐसा रखा हुआ। लेकिन अब क्या है, अब आपने यहाँ पे लेंस लगा दिया, तो लेंस लगाओगे आंखों के आगे, अगर लेंस लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन जो है वो बढ़ जाएगी, ऑब्जेक्ट की एंगल बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये जो अब अल्फा एंगल बन रही थी वाइट वाले से मैं दिखा रहा हूँ पहले, तो ताकि हर चीज़ यहाँ पे क्लियर हो। तो जो अल्फा एंगल यहाँ पे हमारी बन रही थी, ये हमारी यहाँ पे ये बना रहा था इस तरह से अल्फा एंगल, ठीक है, इसको आगे इससे ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो इस समय अल्फा एंगल बना रहा था, अब यही एंगल क्या होगा, चूंकि आपने लेंस लगा लिया है, तो लेंस लगाने के कारण ये एंगल आपकी थोड़ी बढ़ जाती है, जिसको आप बीटा एंगल वहाँ पे दिखा रहे थे, तो ये एंगल आपकी इंक्रीज कर जाती है, तो इंक्रीज की भी एंगल जो है वो बीटा वाली वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कि भाई रे जो है अब आपका यहाँ से आता हुआ आपको दिख रहा है। ऐसा आता हुआ आपको नहीं दिख रहा, ठीक है, हालांकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन वही है, लेकिन आपने क्या कर लिया, किसका इस्तेमाल कर लिया, लेंस का इस्तेमाल कर लिया, तो एंगल जो है आपकी यहाँ पे बढ़ जाती है।
ये एंगल आपने बोला कि ये वाली एंगल जो है ये बीटा एंगल हो गई लेंस यूज करने के बाद, विदाउट लेंस ये अल्फा ये एंगल बन रही थी। तो सर तो जो हमने सर ऑब्जेक्ट को सर जब लेंस यूज कर दिया सर तो ऑब्जेक्ट थोड़ा और आगे आ जाएगा या फिर वो मैग्नीफाई हो जाएगा, साइज में बड़ा हो जाएगा? नहीं, ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि वो उस केस में मैं बताऊं कि आप ऑब्जेक्ट उस समय में भी फर्स्ट वाले केस में भी जो भी लेंस ले रहे थे हम, तो फर्स्ट वाले केस में भी हम ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर ही रखा है हमने। ये यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे देखें तो फोकस के अंदर मतलब ये जो यहाँ पे पार्ट रहा होगा ये फोकस के अंदर का रहा होगा, ये फोकस के अंदर है अभी भी, ये वाला भी पार्ट जो रहा होगा फोकस के अंदर है। और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन पे इमेज आपकी मतलब ये तो हमें यहाँ पे दिख रहा है ना ऐसा, ये हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन हमने पहले वाले केस में फोकस के अंदर रखा है जिसके कारण हमें जो दिख रहा है आपने आपको जो ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन दिख रही है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन पे दिख रही है। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है ये डी पे दिख रहा है, लेकिन आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपके फोकस पे, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। यस सर, लेंस लगाने के बाद कोई भी जैसे कोई वर्ड आप पढ़ते हो तो उसमें क्या लगता है, लेंस लगाने के बाद वर्ड थोड़ा बड़ा हो गया और उनसे थोड़ा दूर भी हो गया, तो वही बात यहाँ पे भी है कि थोड़ा बड़ा हो जाता है और दूर भी हो जाता है जहाँ पे बनता है, जो एक्चुअल हमें क्या है कि क्लियर दिखे, क्लियर विजन हमारी 25 सेंटीमीटर की होती है तो क्लियर विजन हमें यहाँ पे दिखनी चाहिए, तो इसलिए हमने हमेशा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन डी की बात करते हैं। कैपिटल डी जब भी लिया जाएगा वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन के ही मामले में आता है, किसी दूसरे मामले में नहीं आता। दोनों ही कंडीशन इस क्वेश्चन में आपके पास दी हुई है, पहला कंडीशन दिया हुआ है कि बीजी मैग्नीफाइंग पावर इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन और व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इफ इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी। दोनों ही कंडीशन है तो दोनों कंडीशन को देख लेते हैं, दोनों ही हमारे आराम से यहाँ पे फॉर्मूले के बेसिस पे हो जाना है। तो जैसे ये वाला फॉर्मूला हम देख रहे हैं 1 + DF का, तो आपके पास क्या है मैग्नीफिकेशन जो एम आप निकालोगे तो 1 तो है, चलिए 1 लिख दिया, प्लस डी आपको मैंने बता ही दिया डी हमेशा 25 लोगे तो 25 और फोकल लेंथ 5 की दी हुई है हमारे पास क्वेश्चन में तो 5 ले लिया, तो 5 × 5 = 25 दैट मीन्स 5 + 1 = 6। तो 6 टाइम्स जो है जो ऑब्जेक्ट होगी वो 6 टाइम्स मैग्नीफाई हो जाएगी, उतनी बड़ी दिखेगी, ये कब, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन के केस में। और दूसरा जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया यहाँ पे कि भाई अगर व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप जो है दिस इज गिवन बाय लाइक दिस m = d/f ओनली, तो m = d/f दैट मीन्स d/f आप यहाँ पे करके देखोगे तो सीधा 25/5 आएगा, तो इसकी मैग्नीफिकेशन जो है 5 टाइम्स होगी, जबकि ये इंफिनिटी के लिए है, ये इंफिनिटी के लिए है और ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन के लिए है, तो ये 6 टाइम होगा और ये मैग्नीफाई होगा 5 टाइम्स। क्लियर से क्वेश्चन में है रेशियो ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस तो कॉन्वेक्स लेंस ही है, व्हेन इट इज यूज्ड, यस सर कॉन्वेक्स लेंस है, राइट, यूज्ड टू थ्रो एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन, मतलब डी पे इमेज बननी है, विजन टू दैट व्हेन इट इज यूज्ड टू थ्रो एन इमेज एट इंफिनिटी इज 1.20। रेशियो है इस दोनों की, रेशियो दी हुई है, फर्स्ट केस दिया हुआ है पहला जो व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन फॉर द आई इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कितना, फोकल लेंथ इसकी अलग है, और बाकी दूसरे में व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस मस्ट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इमेज फॉल्स एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन कैलकुलेटेड इन आई। अब बताए क्या बोल रहे थे आप, जो फर्स्ट वाला मैग्नीफिकेशन का रेशियो है सर वो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन अपॉन इंफिनिटी वाला दिया हुआ है ना? बिल्कुल बिल्कुल, लीस्ट डिस्टेंस और इंफिनिटी का रेशियो है, यस सर फर्स्ट वाला है, बिल्कुल सही समझ रहे हो, यस सर, मतलब लीस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, सो 1 + d/f, हां तो ये 1 + d/f यहाँ पे लिख दिया और इंफिनिटी का फॉर्मूला d/f इस दोनों का रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में आपके पास 1.20।
1.20 ऐसे। और अब इसमें आपको सॉल्व करना है और क्या निकालना है, डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो इसमें यही डाउट हो रहा था ना कि दोनों डी अगर देखे तो अगर सेम ही लिख रहे हैं तो मतलब कौन सी डी की वैल्यू निकालनी है, इन्फिनिटी वाले के लिए या फिर डी तो सेम ही है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो जैसे ये आप कैलकुलेट करोगे, लिखोगे 1 प्लस डी बाय एफ, दिस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे ये डी बाय एफ जो है इसके प्रोडक्ट में आ जाएगा 1.20 इंटू डी बाई एफ, ऐसा आप इसको लिख सकते हो। इसके बाद अब ये दोनों का जो कैलकुलेशन है, जैसे डी बाई एफ है यहाँ पे भी, हालांकि यहाँ पे एक काम और कर सकते थे हम, एलसीएम भी लेके काम कर सकते थे। एलसीएम लेने पे क्या आएगा वो भी देखो, मैं दूसरे फॉर्मेट में दिखा देता हूँ एलसीएम लेने पे क्या आ रहा है। अगर मैं 1 प्लस डी बाई एफ में इसका एलसीएम लेता हूँ तो एफ एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा f प्लस डी अपॉन में हो जाएगा d बाय f, जिसमें आपका f और f कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा f प्लस डी, दिस वन इज इक्वल टू f प्लस डी अपॉन में d, जिसको आप लिख सकते हो f बाय डी प्लस 1, ऐसा लिख सकते हो f बाय डी प्लस d बाय डी जो कि 1 आ जाएगा। तो अगर मैं इसकी यहां से अगर इसको सॉल्व करना चाहूं तो दिस वन इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1.20, तो ये 1 अगर यहां से यहां तक, ये 1 अगर आपका इस तरफ आता है इस तरफ तो ये 1 माइनस 1 में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मुझे जैसे डी चाहिए तो डी निकालना होगा आपको, यहां पे कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं माइनस करके देखूँ आपको बताऊँगा कि जी ये 1 को आप इधर ले जाओ तो आप लिखोगे एफ बाय डी इक्वल टू 1, उधर जाएगा तो 1.20 माइनस 1, दैट मीन्स 0.20 आ जाएगा, और दिस वन इज इक्वल टू एफ बाई डी आ जाएगा। और अगर आप इसके बाद अगर आप अप्रोच करते हो, मान लो आपने कर दिया कि जी ये हमें डी चाहिए तो डी को इधर ले आओ और इसको इसके डिवाइड में ले आओ, तो एफ एफ जो वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है एफ की, वो आप देख सकते हो यहाँ पे 4.80 का है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन के लिए ये दिया हुआ है, ये 4.80 सेंटीमीटर, तो इसी 4.80 सेंटीमीटर को यूज कर लेंगे एफ के लिए। तो सबसे पहले मैं एफ लिख रहा हूँ बाय 0.20, दिस वन इज इक्वल टू डी, और एफ की जगह पे यूज कर लेते हैं 4.80 अपॉन 0.20, दोनों का डेसिमल हटा दो, दो डिजिट के बाद है, 0.0 भी हटा दो, 2 से कैंसिल करोगे 24 टाइम्स में, तो डी की वैल्यू यहाँ पे आपको 24 सेंटीमीटर की आपको मिल जाएगी। इसके लिए जब मैं मूव कर रहा था तो इसमें जैसे 1.20 डी एफ है, डी बाय एफ, तो ये डी बाय एफ को मैं इस तरफ लेके आता हूँ राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में सिर्फ आपका 1 बचेगा, तो इस जगह पे मैं 1 लिख रहा हूँ, 1 इक्वल टू 1.20 डी बाय एफ, और ये आ जाएगा माइनस में माइनस डी बाय एफ, क्यों ना दोनों में डी बाय एफ कॉमन ले लिया जाए, जिससे कि ये 1.20 माइनस 1 बचने वाला है, तो ये माइनस 1 रह गया, दिस वन इज इक्वल टू, तो इनफैक्ट डी बाय एफ इंटू 0.20 ये बचेगा आपका, दिस वन इज इक्वल टू 1। और अब जो है यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, चूंकि मुझे डी चाहिए तो डी को आप इस तरफ रहने दो, एफ को इधर ले आओ, तो एफ इसके प्रोडक्ट में आ जाएगा, और ये भी यहाँ प्रोडक्ट में, तो इस तरफ आके इसके डिवीजन में आएगा, तो एफ बाय 0.20 इज इक्वल टू डी। तो फिर से वही मामला यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे फोकस की वैल्यू जैसे हमारे पास दी भी है, वो वैल्यू है 4.80 की, तो 4.80 आ जाएगा अपॉन 0.20, सेम रिजल्ट वहाँ पे 24 सेंटीमीटर का मिल जाएगा। दूसरे वाले में जैसे कह रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस मस्ट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड
so that the image falls at least distance of distinct vision in eye. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फोकल लेंथ दी हुई है, ठीक है ना, 4.8 की है, वी जो है वो आपने निकाल लिया सर. इन आई क्या है सर, आई फर्स्ट वाले फर्स्ट ऑप्शन के लिए. आई मतलब इमेज इसके लिए बता रहा है ऑब्जेक्ट कहाँ पे होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो उसको यहाँ पे पूछ रहा है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कैलकुलेटेड जो है वो फर्स्ट आई नहीं है ये, सॉरी ये वन है, वन के हिसाब से करना है. पहला वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सर वही फर्स्ट ऑप्शन, ये सर फर्स्ट, ठीक है सर, बिल्कुल फर्स्ट वाले से लेके करना है. तो देखो अब यहाँ पे एक चीज, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको क्लियर होती हुई दिखेंगी, वो क्या क्या है उसकी बात कर लेते हैं. पहली बात, फोकल लेंथ आपको पता है, ये फोकल लेंथ है एफ इक्वल टू जो आपके पास 4.80 सेंटीमीटर का है. दूसरा, आपने जो डी निकाला इसमें D24 का आया, और डी आपको पता है डी किसके इक्वल होता है, वो वी के इक्वल होता है, और वी इक्वल टू माइनस में लोगे तो 24 सेंटीमीटर लिखोगे. तो मतलब एफ पता चल गया आपको, इमेज पता चल गई, तो अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालना बड़ा आसान हो जाएगा. फार्मूला लगा के सीधा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग जो लेंस फार्मूला है 1/v - 1/u = 1/f से निकाल सकते हैं. फार्मूला लगा लिया 1/v - 1/u = 1/f और 1/v जो है -24 का, तो 1/-24 - 1/u हमें चाहिए. और दिस वन 4.80 है, इसको 1.48 भी लिख सकते हैं, इसका डेसिमल हटाओगे ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है. अभी इसको मैं क्या करता हूँ, देखो इसको इधर लेके जाऊंगा और इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाऊंगा, तो ये हो जाएगा. या फिर एक काम करो, इसको इधर ही रहने दो, निगेटिव में है तो कोई दिक्कत थोड़ी है, रहने देते हैं इसको, ठीक है. इसी को मैं इधर लेके जाता हूँ, -1/u, दिस वन इज इक्वल टू हो जाएगा 10/48 प्लस, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा 1/24 और 48 का एलसीएम हो जाएगा 48. अब 48 में यहाँ ऊपर 10 है तो 48 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 48 हो जाएगा, तो 1 ऊपर भी 1 से ही होगा, तो 1 × 10 मतलब 10 रहेगा. प्लस 24 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से मतलब ऊपर हो जाएगा 2, तो 10+2 मतलब 12/48 12/48 12 × 4 = 48 मतलब 1/4 ये आ गया. अब ये माइनस में है, -1/u = -, ये 1/4 आया तो दैट मीन्स u = -4 सेंटीमीटर. मैग्नीफाइंग लेंस तो ये इसको ऐसा बोल, जैसे मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है, जो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, उसके लिए m इक्वल टू हमने अभी स्टडी किया था, ये है 1+d/f का. अगर मैं मान लूं कि ऐसा है कि डिस्टेंस ऑफ आई फ्रॉम द लेंस, उसको मैं मान लेता हूं कि वो कुछ रहा होगा, वो a रहा होगा, ऐसा मैं मान रहा हूं, तो वैसे केस में जो फॉर्मूला आपका आएगा मैग्निफिकेशन का, ये हो जाएगा 1+ और ये d, अगर ये डिस्टेंस लीस्ट डिस्टेंस मतलब ऑलरेडी डिस्टेंस a रहा होगा जहां पे आपने i को प्लेस किया है या ग्लास को प्लेस किया है, तो ये हो जाएगा आपका d - a / f, क्योंकि जहां पे भी प्लेस करोगे तो वहां पे उसका रेस्ट जो डिस्टेंस है a, वो उसमें माइनस करना पड़ेगा. तो अब मैग्निफिकेशन मैक्सिमम कब होगी, ये चीज देखने वाली बात होगी. अगर ये फार्मूला आपको मिल भी गया तो आप कैसे बताओगे कि मैग्निफिकेशन यहाँ पे मैक्सिमम होगी, फार्मूला तो मिल गया, ठीक है, हमने सोच भी लिया ऐसा होता तो क्या होता, लेकिन मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम तब होती है जब
आपकी जो ए की वैल्यू हो वो जीरो हो जाए फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। सर एक चीज पूछना है सर, अगर डिस्टेंस ऑफ द आई फ्रॉम द लेंस जो वो जो वन प्लस डी अपॉन एफ है तो जो इसमें डी एस है एग्जैक्टली उतने ही इसके भी डिस्टेंस हो, डिस्टेंस ऑफ आई फ्रॉम द लेंस यानी वो भी डी हो, हाँ तो फिर तो माइनस नहीं करना पड़ेगा। हाँ नहीं वही तो माइनस नहीं करने की जरूरत है ना, तो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा जब ए जीरो हो जाएगा, तो बात वही yes, हो जाएगी कि मतलब आई शुड बी प्लेस क्लोज टू द लेंस एज पॉसिबल, जहां तक पॉसिबल हो वहां तक आप उसके क्लोज रखो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लेंस के टच में कांटेक्ट में रखोगे तब तो वो ब्लर दिखता है, कम्प्लीटली क्लियर भी नहीं दिखता। क्लियर दिखने के लिए ही तो इस डी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, बार बार मैं बोल रहा हूँ डिस्टिंक्ट विजन मुझे वो दे रहा है, क्लियरिटी दिखने के लिए ही दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे डी का इस्तेमाल किया जा रहा है।